साल 2020 ऐसा साल रहा जिसने हर एक शख्स को बहुत कुछ सिखाया। जहां एक तरफ कोविड की वजह से लोगों को रिश्ते की अहमियत पता चली, वहीं दूसरी ओर लोगों ने ऐसा ऐसा काम करना सीखा जो शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। बॉलीवुड और टीवी स्टार्स भी लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घरों में बंद थे, लेकिन किसी ने भी काम करना बंद नहीं किया था। जी हाँ, घर पर रहकर कुछ स्टार्स ने अपने यूट्यूब चैनल लॉन्च किए, लाइव करना शुरू किया, वहीं कई स्टार्स ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर भी काम करना शुरू कर दिया था। आइए आज आपको मिलवाते हैं एक्टर नमित दास से, जिन्होंने लॉकडाउन का एक मजेदार किस्सा हमारे साथ शेयर किया है। एंड इनफैक्ट लॉकडाउन जो फेज था वो मेरा पोस्ट प्रोडक्शन और इन सब डबिंग और इन सब चीजों में बीता, तो लॉकडाउन भी बहुत अच्छी तरीके से बीता। और अब जो अनलॉकिंग का जो फेज जा रहा है वो धीरे धीरे जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो कंप्लीट हो रहे हैं और वो सामने आएंगे लोगों के सामने, और जब तक पूरी तरह से हमारी ये लॉक इन सिचुएशन खत्म हो जाएगी तब नया काम भी आ जाएगा, आई एम श्योर। चलिए, आप तो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत नहीं, लेकिन इस लॉकडाउन ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, जैसे इस तरीके से आपसे बात करना या आप घर में डबिंग कर पाएंगे। फिल्मों का काम भी बहुत कुछ घर से हो रहा है। जी जी जी, सारी चीजें, इनफैक्ट सारे काम जो है घर से करने की कोशिश हो रही है। और आप, मैं मतलब शेयर करना चाहूंगा कि बहुत मुश्किल होती है लेकिन आदमी कर लेता है। अभी जैसे ये पूरी आर्या की जो डबिंग ही थी वो मैंने घर से बैठ के की। इनफैक्ट इसी माइक से एक दूसरा ऐप है जो हमें बताया गया था फोन पे, हमने वही फाइल्स जो हैं उसके ऊपर रिकॉर्ड करते थे और हम उन लोगों को भेजते थे इंटरनेट से। और एक स्टूडियो लाइक फील आने के लिए हम एक कबर्ड में चले जाते थे, एक अलमारी में चले जाते थे और उन कपड़ों के बीचों बीच जो है बैठ के हम जो है सारी डबिंग करते थे। और उसमें अगर कोई चिड़िया बोल जाए या कोई कुत्ता भौंक जाए, बस उसी चीज का गुस्सा होता था और उसी चीज की प्रेयर होती थी कि कोई भी चिड़िया बोले ना, कोई भी कोयल कू कू ना करे और कोई भी कुत्ता भौंके ना, सब शांत रहे और बस आदमी आप फटाफट डबिंग खत्म हो जाए। पर आपके घर के पास सच में इतनी चिड़ियों की चहचहाट इतनी ज्यादा होती है, मतलब उस पूरे जो जुपिटर और वो जो भी जितने वो हैं दोनों घरों में आपके। करेक्ट, बहुत अब ये तो नेचुरल है भाई। मैं चिड़ियाओं को जाके ये तो नहीं बोल सकता था कि डबिंग कर रहा हूँ, 10 मिनट बंद कर लो अपनी आवाज, ऐसा तो नहीं। मैं उस लोकैलिटी में इसलिए रहता हूँ कि वहाँ पे ये चीज सुबह उठने के लिए आपको ना चिड़ियों की आवाज से आप उठते हैं। जी जी बिल्कुल। नवी क्यों ना आर्या की बात करेंगे हम, लेकिन मैं देखता हूँ कि आप थिएटर भी करते हैं। बहुत कम यंग लड़के हैं जिस तरीके से इतना एक्टिवली आप थिएटर कर रहे हैं, देश दुनिया में हर जगह जाते हैं, वेब सीरीज भी करें, फिल्में कर रहे हैं, टीवी कर रहे हैं, हर जगह आप छाए हुए हैं। कैसे मैनेज करते हैं आप? डिसिप्लिन, एक कहीं ना कहीं समय को सही तरीके से जो है बांटना पड़ता है। और इस लॉकडाउन के फेज में तो इनफैक्ट मैंने समय के बारे में और भी चीज़ें सीखी हैं कि किस तरह से जो है ना टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा।